हाँ, वो सो जमसरा कॉनिक सेक्शन की जमसरा अवलने सी शेरे कॉनिक्स की जमसरा अवलने दिदे नुदे पेराबोला पेराबोला सो ही दे डिफाइन के दा जे पेराबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन जमसरा पर एक्स वाई प्लेन की रे हमेशा पेराबोला हाइपरबोला एलिप्स दे चिकल मुंगा द ग्राफ्स ड्रा काउन नुदे बा प्लेन की बा एक्स वाई एक्सिस की मुझे दा खबर के चित दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन द सेट ऑफ पॉइंट्स दी पर प्लेन की ठीक दा ची हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एफ द दे हर योर पॉइंट द दे फिक्स पॉइंट ना एफ ना डिस्टेंस ची दे सीधा मुंगा कर कैलकुलेट को एवरी पॉइंट ची कर जाकर एवरी पॉइंट सिमिलरली कदा पॉइंट लगा कर कदा पॉइंट वाक करना कदा पॉइंट वाक एवरी पॉइंट चल दे पर अब रहा वाक करना नो द दे पॉइंट द दे फिक्स पॉइंट एफ ना द फिक्स पॉइंट द वी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला टू अ फिक्स स्ट्रेट लाइन वो फिक्स स्ट्रेट लाइन लवर ड्रा को अब फिक्स स्ट्रेट लाइन बदल दी यदि अपन कंडीशन दे द फिक्स स्ट्रेट लाइन बराबर जी संगत अब वो डिफाइन चिदा फिक्स स्ट्रेट लाइन दे चिदा डिस्टेंस सीधे रुदा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी चिदा दे पॉइंट्स ना प्रदेश स्ट्रेट लाइन मानी परपेंडिकुलर रवाचू मा दिस इज योर पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द पैराबोला द लेंथ ऑफ पी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ पी एम दे पॉइंट द मास हुई दे पॉइंट द मास हुई एम द अपेक्स स्ट्रेट लाइन में दे अपेक्स स्ट्रेट लाइन तो सोलो मोई दे बसंग कर रखो द हर यू वाज सर डिफाइन को होसे रख द पैराबोला डेफिनेशन मुंगला ऑल को जी पी एफ दैट इज मतलब तरी खबरदारी जी समूरी कल जी पी एफ लेंथ कैलकुलेट को नुदा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी PM perpendicular from the point on the parabola perpendicular from the point on the parabola to the fixed straight line अदर अदे point ना the parabola point ना पति fixed straight line मालूम है perpendicular रहा चो PM ले या मुंगा ला लेकर ऐसे चीज़ phi f is equal to e PM where e is the constant of proportionality and is called the eccentricity of the parabola. The e वो सिंसर जी कवर आगे द इक्वेशन ना नो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला ई इज नो द जनरल हम डेट को इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक सेक्शन के ची मुंगा कॉनिक सेक्शन के ची आप लोगों का आगे के जो सर नो टाइप्स हम दी वर्थ वी ने की हाइपरबोला एलिप्स या स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स गिव्स अ सर्कल नो हागी को तुम एसेंट्रिसिटी लो दा हर यो ज्यादा ज्यादा द एसेंट्रिसिटी भी दा दा मुंगा क्या करता है कॉल क्लियर हां उस मुंगा जेदा कम फिक्स पॉइंट वागिस तो नो दे दा द कॉनिक पर द कॉनिक पर जब की सवी द फिक्स पॉइंट एफ इज कॉल्ड द फोकस इज सवी फोकस पॉइंट फॉर ऑल अच्छी कम पॉइंट रावे and the fixed straight line dashi ka prani dashi ka mundwa ki so the fixed straight line is called the directrix directrix of the parabola this straight line this will be directrix okay ha us dekhunga khabar ka ho che kapras ka मुंगा दे ग्राफ तो उठो द ग्राफ मुंगा दिखा छेड़ को सीधा मुंगा एक्स वाई एक्सिस ग्राफ का द पॉइंट एफ ते दे मुंगा पर एक्स एक्सिस माने वाले इसको द ओरिजिन नम दे मैयर को द दलिन ते ए यूनिट उस मुंगा दानो निकल के थोड़ा ना चेयर को का खबर लग क्लियर छी मुंगा दे पॉइंट वाले इसको ओ 0 0 द पॉइंट वाले इसको एफ
तदलिन तमाम इसको ददे ए यूनिट ददे अरे जो नमय को ए यूनिट दे दा पॉइंट शो एफ ए को जीरो नो दे पॉइंट ते विदिकी के फोकस ते मवाग इसको फोकस पर एक्स एक्सिस बनी एफ ए को जीरो फोकस मवाग इसको आओ ओ 0 0 इज द वर्टेक्स वर्टेक्स दा पॉइंट शो वर्टेक्स इसी ते विदिकी की चिकल मंगा दे ग्राफ ला The day graph are called the function of the day function the videos work out as a monster the y axis the videos could be the graph the one day that's it. No, but this is bandi the d but the point bandi the data graph is on the day no the bending key. Chikaranga the videos work out the data graph that's it. Are one day but this is bandi bending key what was the data graph that's it as it. Yeah, the day o f now the positive graph day no o f data. The graph symmetric day about to the x-axis the OF na bara yani the x-axis positive x-axis na the graph sanga bara kari no the O point na che akwa zu no the graph same de tarak takari no the symmetric day about to x-axis no pa kam ze bani che symmetric razi da the mirror sar lage tale the point no de point te vini ki gi si she vertex no munga vertex consider ko padi surat ki अरे जनवानी नो दा खबर लगते उस मूली करा जी वो कैसे पर पॉइंट एक्स एक्सिस वाली एफ ए वजीर शो वर्टेक्स इन पॉइंट 0 0 वाली वाग इसको वस दे दा खबर पर कही जी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड वर्टेक्स योर स्ट्रेट लाइन दे जी कल दे जरूर सर द फोकस औ द वर्टेक्स ने पास कीगी The straight line, the focus of the vertex pass through. But this straight line, the meaning is the axis of the parabola. See, she wrote the meaning is the axis of the parabola. Or the meaning is, but the khabar dekhi chhi a straight line perpendicular to the axis of the parabola through the vertex of the parabola is called the tangent line. Your straight line, chhi the parabola, the vertex na pass kiki. The vertex na pass through. The vertex na. पास शो आउ दे ब एक्सिस ऑफ द पैराबोला द सही परपेंडिकुलर बबी द स्ट्रेट लाइन रागे दे स्ट्रेट लाइन द वेली की टेंजेंट ऑन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दे द वेली की टेंजेंट लाइन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टेंजेंट लाइन दे मक को डिफाइन करे दे चे टेंजेंट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच टच अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट पर सिंगल पॉइंट मानी हो जगत दे खबर ओटलो ने चे टेंजेंट लाइन एट द वर्टेक्स वर्टेक्स सुद मा सर द दे पैराबोला द दे कर पॉइंट दे नो द टेंजेंट लाइन में सिर्फ द यो पॉइंट द दे पैराबोला द वर्टेक्स सेट के नो दे तवे लिखीगी दे पॉइंट तवे दे स्ट्रेट लाइन तवे लिखीगी टेंजेंट ना टेंजेंट लाइन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ओके अच्छा जी हां वो सब सर अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला A straight line perpendicular to the axis of the parabola. Axis of the parabola, what is it? The straight line, the focus of the vertex in pass kiki. Yeah, mumga de doesn't depend. To issue chi a straight line parallel to the tangent at the vertex. Like that's what we define to issue. That's what we issue. The straight line, we khode ba we pakam de ki de ba yo condition satisfy kai jo whose distance from the vertex whose distance from the vertex this is the vertex is equal to the distance between the vertex and the focus de ba condition satisfy kai je the focus of the vertex pamans ki sona distance de no da straight line ba the vertex na dona lerevi जो सोना डिस्टेंस से तो कि मंस के लिए वो जमुन सरा जो कि फोकस द अरे जन ना पर ए यूनिट पास ना प्रोते नो दे बता वर्टेक्स ना दे तक तो सोना पास ना बाली प्रोते पर ए यूनिट पर प्रोते ही खुदा पॉइंट जी कलम हम कैलकुलेट का उन्होंने पॉइंट बसी शेवी द बी माइनस ए वजीर क्लियर नो द जमुन सरा दे स्ट्रेट लाइन द सी शेवी लिखी की दे स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इज called the directrix of the parabola was the other directrix which come with if that define kada the distance between the point on the parabola to the focus is directly proportional to the distance between the focus to the directrix
मुद्दा जुन छ र डाइरेक्ट टेक्स्ट दे दा डाइरेक्ट सिचुएशन को डिफाइन को छि देवा राजी संग पक्कम से कि भाई अंडर पक्कम कंडीशन दे पक्कम कंडीशन सैटिस्फाई के नुदा हगा दा के कंडीशन जो क्लियर वाज दूंगा एक्स इज द दे हर यो स्ट्रेट लाइन छि दे उसको कैलकुलेट को इक्वेशन कैलकुलेट को एक्स इज इक्वेशन ऑफ द एक्स इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट ट्रिक्स द कैलकुलेशन नमक के मुंग यो तेरो मेरे दे पर सेकंड ईयर की हवा तक दी अप्लाई को मुंगा यो तेरो दावे ले उच्च कपरस के यो स्ट्रेट लाइन दे पैरल टू y एक्सिस दे आउ दे द x एक्सिस द पॉइंट n पास की गी नु द इक्वेशन बसी शवी द इक्वेशन मवी x इज इक्वल टू a दैट स्ट्रेट लाइन दे y एक्सिस द पैरेलल दे आओ दे द एक्स एक्सिस द पॉइंट ए न पास की गिन द इक्वेशन में भी एक्स इज इक्वल टू ए आओ कपरस का यो स्ट्रेट लाइन दे चे दे द पॉइंट दे प वाई एक्सिस बा दे द पॉइंट वाई न पा दे द वाई एक्सिस न पास की गी आओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे दैट स्ट्रेट लाइन दे पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे द वाई एक्सिस द पॉइंट बी न पास की गी नो द इक्वेशन में भी वाई इज इक्वल टू बी यानी वाई इज इक्वल टू बी दैट द वाई पॉइंट दे x वाली दा दिशा रे y इज इक्वल टू b और दा असर की दिशा रे जे दे द x एक्सिस द पॉइंट a न पास की गी द कमर के कम रवा के सोम द मु रवा के सो जी पर सेकंड ईयर की मु आर्टिकल वेले हो हागो दोबारा स्टडी दे अदा सो जी द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस लगा दोनों सर दा x एक्सिस दी दोनों सरा यो स्ट्रेट लाइन L x एक्सिस शो y एक्सिस शो द स्ट्रेट लाइन L पास की गी द ओरिजिन ऑफ वन स्ट्रेट लाइन दे पास की गी द वन पॉइंट ऑफ दी दोनों कोमंस की मुंगा एंगल कैलकुलेट को नो द दे स्ट्रेट लाइन न द दे L2 स्ट्रेट लाइन द दे स्ट्रेट लाइन स्लोप छी दे नो हागा त मंगवे M1 और द दे स्ट्रेट लाइन न स्लोप त मंगवे M2 नो द दोनों कोमंस की थीटा एंगल ले नो द बराबर वी छी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 मल्टीप्लाई बाय M2 द मुंगा दैट टॉपिक ददेन पदेजे की कंडीशन थी चिकन द स्ट्रेट लाइन पैरेलल थी व्याद द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर थी स्ट्रेट लाइन दे एक्स एक्सिस द पैरेलल दे और स्ट्रेट लाइन दे वाई एक्सिस द पैरेलल दे दा इक्वेशन मु कैलकुलेट करियो मु बद्दा आर्टिकल द दे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैलकुलेशन के इस्तेमाल वो सब सारा जे एक्स इज द एक्स इज इक्वेशन कैलकुलेट को नो हम दा आर्टिकल चोस मु एक्सप्लेन को नो एक्स इज द पैराबोला इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड वर्टेक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस जगह जे फोकस ऑफ वर्टेक्स मा सारा वर्टेक्स पर ओरिजिन माने फोकस मा सारा पर एक्स एक्सिस माने मैं आपसे द इक्वेशन तो चीशी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 तो y एक्स इज द पॉइंट पास की द 0 पॉइंट पास की नो दैट इज द एक्स इज इक्वेशन शो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन चले तो क्योंकि मुंग दावे रे छि टेंजेंट लाइन एट द वर्टेक्स इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द वर्टेक्स द इक्वेशन कैलकुलेट करो नो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला नो वर्टेक्स से पास की गी और वाई एक्सिस एक क्योंकि एक्स इज पर एक्स एक्सिस दे नो द टेंजेंट लाइन पर वाई एक्सिस वाले राशि नो द इक्वेशन चेक कैलकुलेट कम नो हम दा आर्टिकल बोस दोबारा इस्तेमाल कम द स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस द पैरेलल दे द एक्स एक्सिस द पॉइंट 0 न पास की गी बस द इक्वेशन कैलकुलेट करो बस द स्ट्रेट लाइन छि दे नु दे टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला द पैरेलल दे या एक्स इज ऑफ द पैराबोला द परपेंडिकुलर दे नु जे एक्स इज ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस द पैरेलल दे औ दे परपेंडिकुलर दे एक्स इज द नु द स्ट्रेट लाइन बा वाई एक्सिस द पैरेलल छि औ दे द एक्स एक्सिस द कम पॉइंट पास की दे द एक्स एक्सिस द माइनस ए पॉइंट पास की दे द एक्स एक्सिस
the minus a point of us, no that is simply x plus a is equal to 0.